बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड अंतर्गत मब्बी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में नल जल योजना का बड़ा घोटाला सामने आया है। जब हमारे मीडिया कर्मी घटनास्थल पर जाकर तहकीकात किए तो ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि नल जल योजना का पाइप कम से कम 3 फीट नीचे होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। 6 इंच नीचे पाइप दिखाई दिया और बहुत ही जगह ऐसे मिले जहां पर बाहर पसरा पड़ा हुआ था। कुछ जगह तो ये भी देखा कि पाइप गंदे पानी में देकर छोड़ दिया गया है। 1 साल पहले यह नल जल योजना का काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक पानी किसी के भी घरों तक नहीं पहुंची है। लोग पानी के लिए परेशान हैं। यहाँ कोरोना जैसी महामारी में भी ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां मुखिया के पास शिकायत करने के बाद पता चलता है कि उन्होंने चेक काटकर नल जल योजना में वार्ड मेंबर को दे दिए हैं, लेकिन वो घोटाला वार्ड नंबर 1 के वार्ड मेंबर के द्वारा किया गया है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी बताया कि नल जल योजना के तहत जो भी राशि आई थी वह वार्ड मेंबर ने अपनी लड़की के शादी में उस राशि का उपयोग कर लिया। न्यूज बिहार के लिए समस्तीपुर से सोनू सिंह की रिपोर्ट। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टुडे, मैं आपके साथ हूं सोनू सिंह। अभी मैं समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल के तहत ये हिरमिया पंचायत में अभी हैं, वार्ड नंबर 1 है, यहाँ पे अभी हम खड़े हैं और हमारे पीछे जो देख रहे हैं वार्ड नंबर 1 के ग्रामीण सभी लोग यहाँ पर हैं, जो यहाँ पे सरकार के आँखों में सरेआम धूल झोंका जा रहा है। यहाँ के बात की जाए तो वार्ड पार्षद के द्वारा या यहाँ के ठेकेदार लोग के द्वारा जो नल जल की जो बात की गई थी, कुछ दिन पहले बिहार सरकार के द्वारा जो आह्वान हुआ था उस काम को लेकर के बिहार में जिले के हर एक पंचायत में हर एक जगह पर नल जल की अभी बात हो रही है। बहुत जगह काम बन चुका है इसका, बहुत जगह काम चल रहा है, लेकिन वही नज़ारा एक रोसड़ा अनुमंडल के तहत ये मब्बी पंचायत का है, वार्ड नंबर 1 का, जो नल जल के नाम पर वहाँ पर मात्र जहाँ पर बात की जाए सरकार के द्वारा आह्वान हुआ कि 3 फीट गड्ढा खोद के उसके अंदर में पाइप को डालना है और मोटा वाला पाइप, लेकिन यहाँ पे दिख रही है कि मात्र 1 फीट भी नहीं, मात्र 3 इंची गड्ढा खोद करके उस पाइप को डाला हुआ और मात्र 1 इंची 2 इंची वाला पाइप डाला हुआ। हमारे यहाँ पे कुछ इस ग्रामीण लोग यहाँ पे अपनी बात को रखने के लिए काफ़ी व्याकुल हैं, लेकिन इनका बात अभी तक कोई जनप्रतिनिधि हो या सरकारी महानुभाव हो, कोई अभी तक इनका नहीं सुने हैं, हमारे समक्ष मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आखिर क्या तकलीफ है इनकी। रामनाथ साहब, ये सरकार के द्वारा जो नियम है यहाँ 3 फीट गड्ढा खोद के देना चाहिए, इस 9 इंची में डाल के पाइप गिराया, घटिया सामान लगाए हुआ है, मोटर भी जला हुआ है, तीन एचपी का मोटर लगना चाहिए, उसमें 1.5 एचपी का मोटर वो भी रिपेयरिंग किया हुआ मोटर लगाया हुआ है। हाँ, हम लोग के पास अभी तक 14-15 महीना बीत गया, अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। ये पानी कब इसका शुरुआत हुआ था, पानी ये थी गारने का, गारने का लंगसंग हो गया, 12 महीना का लंगसंग हो गया, 14-12 महीना। हाँ, क्या पानी ये चल रही है? नहीं, अभी तक नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही है? तो ये वही बात, हम लोग सोचे कि सारे वार्ड में चल रहा है काम, हमारे वार्ड में नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग। आप इसको लेकर के कहाँ कहाँ गए? हम लोग गए हैं SDO के पास, गए हैं अंचल अधिकारी के पास, वहाँ सब अधिकारी के साथ गए हैं, प्रखंड पदाधिकारी के साथ भी गए। तो क्या बोले आप, लिखित तौर पे दिए थे या मौखिक तौर पे? नहीं, लिखित तौर पर हम दिए थे। अच्छा, क्या बोले वो? वो बोला कि अभी लॉकडाउन के समय है, अभी सब अधिकारी सब बिजी है, हम इसको देंगे साहब के पास, उसके बाद हम। क्या नाम हुआ आपका? रामनाथ साहब। देखिए कि ये रामनाथ साहब जी ये वार्ड नंबर 1 के रहने वाले हैं, ग्रामीण हैं, और इन्होंने इसको लेकर के अंचलाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी तक लिखित तौर पे लेकर के गए, और बल्कि मौखिक नहीं, लेकिन उनका कहना हुआ कि अभी लॉकडाउन अभी का नियम है, और दूसरी बात कि अभी सभी जगह कोई भी काम है ठप पड़ा हुआ, इसे लेकर के जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तब आपकी सुनवाई की जाएगी। कुछ और आवाम नागरिक हैं, इंसे मैं जानता हूँ। क्या नाम है आपका? लोन के लिए हमें जय राम। क्या परेशानी है? लोन के लिए यही दिक्कत है हम लोग के लिए, पानी अभी तक नहीं चल रहे हैं, आने चल रहे हैं, ऊपर से 9 इंची पर दिया है, कोई पाइप ऊपर चल रहे हैं।
पानी आपके घर में गिरता है? नहीं गिरता है। नहीं गिरता है, नहीं गिरता है अभी तक पानी का एक भी इसका थी सुख सुविधा नहीं लिए है? नहीं सर जी, कुछ नहीं। अच्छा, ये कुछ नहीं। पंचायत में कहाँ कहाँ चल रहा है इसका? कुछ नहीं चल रहा है, हम लोग का अंदर कहीं नहीं चल रहा है। तीन नंबर चल रहा है लेकिन हम एक नंबर वार्ड में कहीं नहीं चल रहा है। खाली ऊपर पर हम लोग काम किया, अभी तक कुछ नहीं किए। कब हुआ था इसका निर्माण? काम हो गया 12-14 महीना, 12 महीना, साल भर हो गया, अभी तक नहीं हुआ काम। हाँ जी सर जी, देखिए इस ग्रामीण लोगों का भी कहना है कि साल भर इस काम का हो गया है लेकिन अभी तक इसकी कोई काम पूरा ये काम अभी तक नहीं हो पाया है। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक पासवान। अच्छा, ग्राम प्रधान कौन है? ग्राम प्रधान प्रवीण कुमार मुखिया। कहाँ उनका घर पड़ता है? मब्बी, मब्बी पंचायत है, वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6 में है ये, वार्ड नंबर 1 है ये, वो 1 है। क्या परेशानी है? वार्ड सदस्य आपको क्या बोले इस मैटर? वार्ड सदस्य के सर हम 2-1 साल से बोल रहे हैं, सबके पंचायत में पानी चालू है, सब वार्ड में चल रहा है, अपना वार्ड में क्या हो रहा है ये बोला, अभी परेशानी। हम 1.5 साल से जहां मिलते वहां उसको बोल रहे हैं, ये पैसा उठा के कुछ अपना बचिया के लगन में कर लिए ठेकेदार के माध्यम से, इसी द्वार काम ज्यों ज्यों इसको पैसा कहूँ से आ रहे हैं तब तक ये काम के थोड़ा बहुत हाथ लगा देते हैं, पैसा सड़ जाते हैं। आपका कहना है कि ये जो ये सही सरकार वाला जो ये फंड आया था ये काम को लेकर के अपने निजी कोष से वो खर्चा कर लिए? हाँ, अपना पैसा ये सरकारी मद से पैसा उठा कर अपना निजी काम में लगा लिए। आप इस बात को कैसे जाने? नहीं, वो कहूँ बोल रहे थे हमको लड़की की शादी है, पैसा नहीं पुर रहा है, नल जल वाला उठा के ठेकेदार के कह के हम उठा लेते हैं, जैसे पैसा आएंगे वैसे हम काम शुरू करेंगे। जैसे जैसे उसको पैसा आते हैं तो 2-4 मजदूर रख के इधर उधर खुद खाद करवा देते हैं, बस उसके बाद बंद। वो भी देखिए 3-9 इंची पर पाइप गाड़ दिए, हम उसको बोले मोटा पाइप डालिए, बोला हमको एस्टीमेट में यही पाइप है, आपको जहाँ जाना है जाइए, हम यही पाइप गाड़ेंगे। हम लिखित में SDO साहब को भी, अशोक पासवान, देखिए अशोक पासवान हमारे समक्ष मौजूद थे, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इस पंचायत में जो आम लोगों तक, आम ग्रामीण तक जो पानी पहुँच रही है वो पानी एक कूड़ा जहाँ पे यानी डस्टबिन जहाँ पे इस्तेमाल होता है, जहाँ पे डस्टबिन की तरह जहाँ पर आदमी कूड़ादान आदमी बनाता है, जहाँ पे सारे गाँव के लोग वहाँ पर कूड़ा कचरा फेंकते हैं, उससे उस पानी से निकल करके वो पानी वहाँ तक पहुँच रही है, जाने सुरक्षित पानी। बताइए उस पानी का क्या हाल होगा? और देखिए आप यहाँ की मावी पंचायत की रिपोर्ट की जो भी था कि सरकार की आंखों में खुले आम वार्ड सदस्य हो या ग्राम प्रधान हो या कोई भी हो, उनके द्वारा डायरेक्ट धूल झोंकी जा रही है बिहार सरकार की आंखों में, लेकिन बिहार सरकार के कोई भी सरकारी पदाधिकारी हो या और गैर नागरिक हो, लेकिन उनका अभी तक इस पहल पर अभी तक ध्यान नहीं गया है, नल जल पर। इसी के साथ समस्तीपुर रोसड़ा से बेगूसराय टुडे के लिए कैमरामैन सौरभ कुमार के साथ सोनू सिंह की रिपोर्ट।